अली भाई, अगर आपको किसी की मारने का मौका मिले तो आप किसकी मारोगे, बदला ब्रदर या शमीर बादशाह? भाई मौके की बात तो दूर, मुझे अगर इन दो में से किसी एक ने इशारा भी कर दिया ना तो मैंने इनकी मंजी देवी डांग फेर देनी है। एक तो पता नहीं क्यों तुम लोगों को मेरी वर्जिनिटी की बहुत फिक्र होती है। शादी कब कर रहे हो, फलां की मारो, फलां की मारो, फलां और फलां की एक साथ मारो, मुझे कोई शादी के लिए हाँ तो करे। फिर चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो, काली हो, गोरी हो, सुखी हो, मोटी हो, लंबी हो, टिड्डी हो, एशियन, रशियन, यूरोपियन, इंडियन, कोरियन, फिलिपिनी, जापानी, यूनानी, पठानी, पाकिस्तानी, आंटी, डॉक्टर, नर्स, टीचर, स्टूडेंट, परी, हूर परी, प्रीशियस पर्ल, पापा की परी, चुड़ैल, डाइन, सब चलेगी। इधर कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट करती। यूनिवर्सिटी का ये हाल है कि यहाँ पे अगर किसी बच्ची को मैसेज करो तो अगले दिन उसके चार भाई उठ के डिपार्टमेंट आ जाते हैं। मतलब सारी जिंदगी मैंने भी लक्स वाल की सेल्स ही बढ़ाई रखनी है और कुछ नहीं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। खैर मिट्टी पाओ, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज हम बात करने वाले साइलेंट गर्ल के सॉन्ग की। काफी अर्सा हो गया मैंने इस पे वीडियो नहीं बनाई, पर आज जाके मैंने इसकी प्रोफाइल देखी है भाई, सारा सीन ही चेंज हो गया है। वो स्मार्ट वाली साइलेंट गर्ल तो मार्केट से शॉर्ट हो गई है और साथ ही साथ एक दो साइलेंट बॉय भी आ गया है। और कुछ हफ्ते पहले इनका नया गाना भी आया, आज हम उसको रिव्यू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाने की शुरुआत होती है सामा बुली से, मेरा मतलब बली से। कसम इसको देख के मुझे ये लगता है कि अभी हवा का झोंका आना है और उसने उड़ के कंध में जा बजना है। मतलब कि मैंने सुना था कि शादी के बाद मर्द मोटा हो जाता है, लेकिन इधर इसकी बीवी मोटी होगी ये खुद नहीं हुआ। जूस ऑफ जूस का डब्बा नहीं होता जिसका पटाखा भी बजाओ तो फुस की आवाज आती है, वैसे इसकी सेहत है। प्रोटीन की एड में आने वाले जो मच्छर होते हैं ना, उनकी सेहत भी इससे ज्यादा अच्छी होगी। भाई कुछ खाया पिया कर और तेरा तो पेट भी बाहर नहीं आया। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये कंसेप्ट है कि अगर मर्द का पेट शादी के बाद बाहर नहीं आता तो मतलब मियां शादी से खुश ही नहीं है। और इसके हालात भी मुझे कुछ ऐसे ही लग रहे हैं। क्या मतलब, समझ रहे हो दया? उसके बाद बली साहब उठाते हैं फूल का दस्ता। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। अब साफ जाहिर सी बात है कि लड़का किसी लड़के को फूल तो देता नहीं है, तो पक्की बात है कि ये फूल किसी लड़की को ही देने होंगे, क्योंकि अगर आप उसे रोज देंगे वो भी आपको रोज देगी। गुड हो गया जी। तो यही सोच के बली साहब हाथों में पकड़ के फूल निकल पड़ते हैं। तो बली साहब अपनी किराए की जीप पे बैठ के पहुंच जाते हैं बच्ची को फूल देने, और होटल पहुंचते ही आगे लड़के को मिलते सरप्राइज। आगे पता लगता है कि बच्ची तो किसी और से रोज ले भी रही है और उसको रोज दे भी रही है। प्रैंक हो गया आपके साथ, मुझे फिर शरी आ गई। इधर हो जाता है बली साहब के खड़े पे धोखा। बली साहब फुल टूटा हुआ सांस बन जाते हैं, और पीछे ही हमारी बाबा जी सियालकोट भी बैठी होती है, जिसको कैमरा मैन ने सुथरा करके ब्लर कर रखा है। यहाँ पे साइलेंट गर्ल बिल्कुल उस मैसेज की तरह है जो तुम अपनी क्रश को करते हो, वो भी इस तरह नो फक एट ऑल होता है। गजब बेइज्जती है। यहाँ पे बली उस अंगूठी को देखते जो उसने बच्ची को पहनानी होती है, लेकिन रिंग पहनाने से पहले ही वो काट के चली जाती है, क्योंकि उसके फूफो के बेटे ने सलाम करते हुए उसे हाथ मिलाया था और गलती से अंगूठी बच्ची के हाथ में चली गई। और अब बच्ची बोलेगी कि मुझे तो मेरी फूफो के बेटे ने गलती से अंगूठी पहना दी है, यू डिजर्व बेटर, तुम कोई और ढूंढ लो, बाकी मेरा सिर्फ जिस्म उसके साथ है, रूह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। सो दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय मोस्ट बैट। मोस्ट बैट एक ऐसी इंटरनेशनल कंपनी है जो कि 80 से ज्यादा ममालिक में काम कर रही है और उसके 1 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स हैं। अब इसमें ना डेली बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते हैं, जैसे कि पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी, इनको देख के और इनमें इन्वेस्ट करके तुम लोग बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। अब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि भाई इसमें इन्वेस्ट करना कैसे है, तो इसमें डिपॉजिट करना बहुत ही आसान है। तुम लोग जैस कैश इजी पैसा से आराम से डिपॉजिट कर सकते हो, और इसका विड्रॉल का तरीका भी बहुत ही आसान है। तुम लोग इजी पैसा जैस कैश से विड्रॉ भी कर सकते हो। इसके अलावा तुम लोग अगर मेरे प्रोमो कोड जो कि डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है उसे साइन अप करते हो तो तुम लोग 50,000 रुपए जी सकते हो। तो भाई देर इस बात की, पहला पिन कमेंट जाके देखो, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके साइन अप करो और पैसे कमाओ। इसके बाद बली साहब अपनी इज्जत नफ्स के अलग बातें हुए ये सोचते हैं कि यार अब तो खर्चा कर दिया, फूल शूल ले लिए, क्यों ना दे के जाऊं। इसकी मिसाल बिल्कुल तुम्हारी तरह ही है, एक नंबर से अपनी क्रश को मैसेज करते हो और वहाँ से ब्लॉक हो जाते हो, तो सोचते हो क्यों ना ब्लॉक तो वैसे ही हो गया, दूसरे नंबर से भी मैसेज कर ही देता हूं। तुम्हें शर्म है कुछ शर्म आया है? और ये सारा सीन पीछे बाबा जी सियालकोट बैठ के देख रही होती है कि मेरा शोर क्या मुकाले मार रहा है, वो भी मेरे सामने। इसकी जगह अगर मेरी बीवी होती तो वो पकड़ के मेरा फेंटा लगा देती। मतलब कि साइलेंट गर्ल जैसी बीवी एक हम भी डिजर्व करते हैं, जो हमें देख भी ले और कुछ कहे भी ना। बल्कि मैं तो चाहता हूँ मेरी बीवी मुझे ये कहे कि तुम एक और शादी कर लो, फिर मैं दूसरी शादी कर लूंगा और दोनों बैठ के आपस में मेरे लिए लड़ा करेंगी। मुंदरी बनाई फिरे ते विच नग जड़वाई फिरे, एक पासे बिलो तेरा नाम लिखवाई फिरे। बली साहब बच्ची को फूल देते ही वहाँ से छाट हो जाते हैं कि भाई मेरे को टाइम नहीं है फजूल बंदे वास्ते, और देखते ही देखते आंखों में से हंजू टिप टिप बरसने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बली साहब की जज्बात की बली चढ़ चुकी होती है। इधर बली साहब नस काटने के लिए घर जा रहे होते हैं और वहाँ पे वो फूफो का बेटा आराम से रंगरलिया मना रहा होता है। असल में ये होता बली का दोस्त ही है जो बली से उसकी बच्ची खस लेता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि दोस्त वफादार होने चाहिए, हर किसी की जिंदगी में कुछ दोस्त रंग की तरह होते हैं, जरूरत पड़ने पे दोनों ही खड़े नहीं होते। घर पहुंचते ही बली साहब को एक और सरप्राइज मिलता है, यानी कि शादी का कार्ड। मतलब कि अभी कोई 3 मिनट पहले वो एक दूसरे को फूल शूल दे रहे थे और 3 मिनट बाद ही शादी का कार्ड भी भिजवा दिया है, यानी कि झट मंगनी पट गया। शादी का कार्ड दे के बली साहब को तो शॉट हो जाते हैं। बली साहब फौरन से पकड़ लेते हैं अपना माथा, मोबाइल चुप के थले मारते हैं और उठते इनके हाथ कांपने लग जाते हैं। अब तुम लोगों को ये लग रहा होगा कि इनके हाथ गुस्से से कांप रहे हैं, लेकिन नहीं, जो इन्हें हाथ की बोर्ड लगाई
हत्ती वोट लगाई, मन मन के हत्ती लगाई, बच्चा था जब। और एक बार फिर बलि साहब अपनी इज्जत नफ्स का जनाजा उठाते हैं और तियारों के मंगनी में पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे एक ट्विस्ट की बात यह कि बलि साहब की सिर्फ वो ही खुली नहीं है बल्कि इनका दिल भी खुला है। बच्ची की मंगनी पे जाते हैं और उसको गाड़ी भी गिफ्ट कराते हैं। इस सारे सीन में ये वाला बंदा भी सही जा गया, बच्ची भी खास ली थे गड्डी भी। और मुकाला करवा के वापस जाते हुए इनको रास्ते में बाबा जी सियाल को टक्कर जाती है। वीडियो में तो वो कहती है कि टेंशन ना ले मैं हूँ ना, लेकिन मुझे पता है कि वो दिल में कह रही है जित्थो दी खोती उत्थे ही अनखलोती। यानी कि बाहर वो मार के भी तू घर ही आया है। तो ये एक एडवाइस है बाकी मर्दों के लिए भी कि परिंदा जितना मर्जी उड़ ले शाम को उसने मुड़ के घर ही आना है। तो इसीलिए बाहर मुंह ना मारा करो, किसी ने तुम्हारे घर मुंह मार लिया तो तुम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इस पूरे गाने में बाबा जी सियालकोट का यानी कि साइलेंट गर्ल का रोल सिर्फ इतना है कि वो मेरी वीडियो के टाइटल और थंबनेल में आ सके बस। आर यू कॉमेडी मी? तो बस यार आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो। इस वीडियो पे लाइक कम रखेंगे हम 14,000 लाइक्स का, तो फिर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तकरीबन 46% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ। बेटा मुझे पता चल जाता मैं तुम लोग को देख रहा हूँ, मुफ्त का शुक्र तुम लोग देखने आ जाते हो। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो, तुम्हारी मेहरबानी होगी। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। नीचे मेरी इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको भी जाकर फॉलो कर लो। तो मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।